अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के कारण अपना विशेष स्थान रखता है। यहां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा के लिए रखा गया था। साथ ही ये वही जगह है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सबसे पहले भारतीय तिरंगा लहराया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल क्रांति को पूरे भारत में लाने का संकल्प लिया है, लेकिन इस खूबसूरत द्वीप समूह का जुड़ाव देश के शेष भाग से उपग्रह संचार के माध्यम से था और यहाँ की लगभग 4 लाख जनसंख्या के लिए इंटरनेट और हाई स्पीड डेटा की उपलब्धता सुगम नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत चेन्नई से अंडमान आइलैंड्स के बीच लगभग 2300 किलोमीटर अंडरसी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का लक्ष्य रखा गया। पोर्ट ब्लेयर उतना ही मेनलैंड है जितना दिल्ली, मुंबई और चेन्नई है। साथियों, औद्योगिक और टूरिज्म का विकास तब होता है जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है। यहां की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस वर्ष फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जा रहा है। चेन्नई से आ रही अंडरसी ऑप्टिक फाइबर केबल से अब पोर्ट ब्लेयर में उतना ही अच्छा इंटरनेट चलेगा जितना कि दिल्ली या चेन्नई में चलता है। अब बारी थी इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने की और बीएसएनएल ने युद्ध स्तर पर चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के दोनों छोरों से समुद्री केबल बिछाने का कार्य शुरू किया। अंडमान निकोबार के 8 द्वीप समूहों पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को जोड़ने के लिए समुद्री केबल के लिए विशेष केबल लैंडिंग स्टेशन बनाए गए। और देखते ही देखते 1224 करोड़ का ये प्रोजेक्ट योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर लिया गया। आज पोर्ट ब्लेयर को चेन्नई और स्वराज द्वीप और लिटिल अंडमान से जोड़ने वाले 3 मेन सेगमेंट्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों और लाखों पर्यटकों को इस इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सामरिक महत्व के इस द्वीप समूह पर भारतीय सेना की इंटरनेट जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ये परियोजना लाभप्रद होगी। समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए भारतीय द्वीपों को जोड़ने की ये पहली परियोजना है। ये परियोजना इन द्वीपों के निवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। अब इस द्वीप समूह में टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा, पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और नागरिकों के जीवन स्तर में और सुधार होगा। साथ ही इससे कुशल प्रशासन के लिए भी काफी मदद मिलेगी। इस केबल से बीएसएनएल के साथ साथ अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी अपना नेटवर्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगा सकेंगी। अब डिजिटल क्रांति के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नए और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा।